नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, हम में से हर व्यक्ति ना अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर रहना चाहते हैं। हम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें बहुत कुछ वो चीज़ अचीव हो जाए जो काबिलियत हमारे अंदर है, और वो भी अचीव हो जाए जो काबिलियत हमारे अंदर नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति जीवन में उतना ही हासिल कर पाता है जितना हासिल करने की क्षमता उसके अंदर होती है। मैं महर्षि वाल्मीकि की रामायण का अध्ययन कर रहा था। उस रामायण में एक बहुत प्यारा मैसेज मुझे मिला कि विश्वामित्र जी ना एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते थे, और बहुत बड़े यज्ञ करने के लिए उन्होंने देखा कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जो यज्ञ करते समय मुझे आने वाली हैं। तो वो राजा दशरथ के दरबार में गए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा हूँ जिसका लाभ हमारे राज्य की प्रजा को होने वाला है, लेकिन उस यज्ञ में मुझे आपका कुछ सहयोग चाहिए। वो कहते हैं कि राजा हमेशा सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो राजा दशरथ जी ने बिना कुछ सोचे ये आश्वासन दे दिया कि ठीक है, आपको जो किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो आप मुझे बताएं, मैं हर काम आपके लिए करूँगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं और ये सोच कर कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम ऐसा वादा कर देते हैं जिससे हम पीछे हट नहीं पाते और मुकर नहीं पाते। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा कि मैं राम और लक्ष्मण को चाहता हूँ, आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए वन में। जब मैं यज्ञ करूँगा तो जितने भी राक्षस हैं यदि वो हमला करते हैं तो उनसे हमारी सुरक्षा करेंगे। राजा दशरथ ने कहा इस काम के लिए तो मैं आपको अपनी पूरी सेना भेज सकता हूँ, लेकिन क्योंकि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से वचन ले लिया था, उन्होंने कहा नहीं मैं चाहता हूँ तो राम और लक्ष्मण मेरे साथ जाएं। जब राम और लक्ष्मण जंगल में वन में महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे थे तो विश्वामित्र जी के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। विश्वामित्र जी ने पूरी की पूरी शक्तियों को जो हासिल किया है ना, वो हजारों वर्षों की तपस्या के बाद किया। विश्वामित्र के पास हर वो शक्ति थी जिससे उन राक्षसों को वो पराजित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप से एक वादा किया था, एक संकल्प लिया था कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। और विश्वामित्र जी जब राम और लक्ष्मण को देखने लगे तो उन्होंने देखा कि इनका चेहरा बहुत मासूम है, इनके चेहरे पर बहुत अधिक तेज है, इनके व्यक्तित्व में वो गुण हैं कि ज़्यादा चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो विश्वामित्र ने अपनी सारी की सारी शक्तियाँ, अस्त्र शस्त्र भगवान श्री राम को समर्पित कर दी, बिना किसी एफर्ट के उनको गिफ्ट कर दी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि भगवान श्री राम के अंदर वो पात्रता है कि वो चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके अंदर ना किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है ना, तो आपको कभी भी आपकी क्षमता से ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली भी नहीं है। इसीलिए जीवन में अपनी पात्रता को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, लाइफ में मेंटोर बनाएं, बहुत सारी लाइफ लर्निंग लेसन्स को लाइफ में इंप्लीमेंट करें। और जो लोग जीवन में सफलता हासिल कर चुके हैं उनकी सफलता को हमेशा अप्रिशिएट करें, और उनके द्वारा हासिल सफलता से आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ें सीख सकते हैं उसका अनुकरण करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पात्रता बढ़ती जा रही है, आपके ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जा रही है, और जब आपके ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी तो आप भी हर वो चीज़ हासिल कर पाएंगे जो हासिल करने का लक्ष्य या ध्येय आपने बनाया है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि की रामायण से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहें, और आपको हर वो चीज़ हासिल होगी जो आप हासिल करना चाहते हैं। मित्रों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो महर्षि वाल्मीकि की रामायण का अध्ययन ज़रूर करें, उसको सुनें, आपको बहुत सारे ऐसे गुण मिलेंगे जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।